अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं भाई आप कम कीमत वाली गाड़ी क्यों नहीं ऐड करते। ये लें जी, कम कीमत वाली गाड़ी है, पूरी गाड़ी मैं आप लोगों को कवर करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर उन्होंने के साथ मिलके डिटेल वगैरह क्या है गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देता हूँ। यह जी 78 का मॉडल है गाड़ी, जो है बाहर से शावर कह सकते हैं, बाकी अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है ग्रीन कलर में। बाकी पूछ लेंगे इसका ग्रीन कलर ये ओरिजिनल है या दोबारा चेंज करवाया हुआ है। बाकी जो है पूरी गाड़ी मैं आप लोगों को कवर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले बढ़ते हैं टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें तकरीबन हमें 40% गुड मिल रहे हैं, अलॉय रिम लगे हुए, लेकिन बैक टायर जो है थोड़ा सा हमें बेहतर मिल रहे हैं जो आगे वाले टायरों से। तो लाइट्स की बात करें तो लाइट्स थोड़ा सा फेड हैं लेकिन सही हैं। सामने ग्रिल वाला एरिया जो है वो भी साफ़ है इस गाड़ी का। तो विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ है। ये आप लोग बोनट से गाड़ी को चेक कर सकते हैं। कम कीमत वाली गाड़ी भाई सबसे पहले ऐड कर रहे हैं भाइयों के लिए, और डिटेल वगैरह पूरी मिल जाएगी ओनर के नंबर के साथ। और ये देख टायर्स की कंडीशन, बाकी साइड वाला एरिया देख लें गाड़ी का पूरा, पूरी गाड़ी कवर करके उसके बाद ओनर के साथ मिलके प्राइस के गाड़ी की वो भी आप भाई उसका शेयर कर देंगे। 78 का ये मॉडल है, बैक लाइट्स गाड़ी की कुछ इस तरह से, और ये ओरिजिनल नंबर प्लेट्स गाड़ी में लगी हुई हैं, तो बैक स्क्रीन से गाड़ी कुछ इस तरह से ही है। तो बढ़ते थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर का ये जो डोर है वो लॉक है। ओके जी, तो ये है गाड़ी का इंटीरियर, और गाड़ी की जो सील्स हैं आप लोग चेक कर सकते हैं, दोबारा बनी हुई हैं। बाकी अंदर से अगर कहें तो यहाँ तक तो गाड़ी आपको शावर मिलेगी, लेकिन यहाँ से अंदर से जो कहते हैं वो जेन्युइन मिलेगी। बाकी ये सीट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है, 12 इंच के 2 स्पीकर लगे हुए हैं पायनियर के, और इंटीरियर से गाड़ी साफ़ है और मेंटेन की हुआ इंटीरियर इस गाड़ी का, तो सही है। अगर इतना पुराना मॉडल अगर देखा जाए तो फिर कंडीशन जो है इंटीरियर की सही मिल रही है हमें देखने को। फिर भी 78 का ये मॉडल है। गाड़ी को चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग इंजन रूम की तरफ और देखते हैं इस गाड़ी का इंजन रूम किस कंडीशन में और कौन से कलर में। अच्छा जी, तो इस गाड़ी का इंजन रूम जो है वो ग्रीन कलर में हमें देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी का ओरिजिनल कलर भी ग्रीन ही है, और ये टिकली साइड है इस गाड़ी की, जम साइड की दोनों मुखियाँ भी चेक कर सकते हैं आप। तो ये बोनट इस गाड़ी का, और 3K इंजन है इसके अंदर। बाकी पूछ लेंगे ये 3K इंजन कितने सीसी में शुमार होता है। बाकी ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोगों को बताना लाजमी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए, काफ़ी भाइयों को नहीं पता कि गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने सीसी इंजन लगे हुए होते हैं, क्या पेट्रोल एवरेज होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप भाइयों के साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं। बाकी छत वाला एरिया भी थोड़ा सा मैं आप भाइयों को शेयर कर देता हूँ गाड़ी का। ये इस गाड़ी का छत वाला एरिया है। बाकी एक पार्टी लगी हुई थोड़ा सा वो फ्री हो जाते हैं ओनर, तो फिर मैं आप भाइयों से डिटेल वगैरह शेयर कर देता हूँ। हाँ दिखाई, अस्सलाम वालेकुम सर, ये कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है, क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की भाई? ये है टोयोटा करोला 78 मॉडल। टोयोटा करोला 78 का मॉडल है जी। हाँ 78। अच्छा, पेपर सारे कंप्लीट है सर इसके? पेपर तो सारे पूरे हैं। अच्छा, बस तकरीबन 2 साल का इस पर टैक्स छाड़ा है। टैक्स छाट है वो 5 से 5,500 रुपए का खर्चा। चले वो सौदे के टाइम जो है वो कर लेंगे फिर आपस में। वो लेने वाला जो है ना वही भरेगा। डिमांड आपने कितनी करी हुई? डिमांड मैंने इसकी रखी है 2,80,000। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी, ऑफर चल सकती है? आया तो वो कुछ ठीक है। अच्छा, इंजन के बारे में बताइए, कौन सा इंजन है इसके अंदर? इसका ओरिजिनल इंजन 1200 सीसी। अच्छा, 3K के नाम से, 3K के नाम से होता है, 1200 सीसी इंजन होता है। चाचा, इसकी पेट्रोल एवरेज कितनी रहती है पर लीटर के हिसाब से, अगर कोई गाड़ी परचेस करे घर के लिए? थोड़ा सा कीमत भी कम है इसकी मेरान के हिसाब से। यार इसकी जो है ना, हमने गाड़ी तो बहुत चलाई है। अच्छा, 10, 12, 13 इतना कुछ देती होगी? 10, 11, 12 ये ठीक है सर। नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है? नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है। ठीक है, और इसकी बुक भी है, हर चीज़ है, पूरे कागज़ पूरे कागज़ में कोई मिसिंग नहीं है, सब कंप्लीट है, कागज़ में कोई मिसिंग नहीं है, सिर्फ ये कि 2 साल का टैक्स इसका शार्ट है जी। हाँ ठीक है, अपना नंबर बताइए। 03112381074। क्या नाम है आपका? कुदरत इलाही। कहाँ की लोकेशन है सर ये? मेरी रिहाइश नाजमाबाद। नाजमाबाद, नाजमाबाद 1 नंबर। ठीक है, कितने ओनर पर है गाड़ी? कितने ओनर पर है? फर्स्ट ओनर की गाड़ी है ये। ठीक ठीक है, अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से आप फिर अगले बंदे से डील कर लेना। लेने वाला जो होगा वो देखेगा
ठीक है चलें जी। तो ये कम कीमत वाली गाड़ी अगर आप भाइयों को समझ में आ रही है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। पूरी डिटेल दे दिए, भाई का नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी है 2009 का मॉडल है सुजुकी एल्टो, मार्केट में संडे कार मार्केट में 2009-2008 की कीमत क्या चल रही है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के साथ आज शेयर होंगी। बाकी ये 2009 का मॉडल है, इसकी भी कीमत आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे, क्या इसकी कीमत है, मालिक इसका जो ओनर है क्या इस गाड़ी की जो डिमांड कर रहा है, इस गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से वो डिमांड सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आप भाइयों के साथ शेयर होंगी। 2009 का मॉडल है, गाड़ी टचअप की कंडीशन में, पूरी गाड़ी ये शावर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ, आप भाइयों को जो है गाड़ी पूरी विज़िट कराते हैं। तो ये सबसे पहले हम बढ़ते हैं टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें तो इस गाड़ी के टायर्स जो हैं तकरीबन कह सकते हैं 70% तक गुड मिल रहे हैं हमें, और 70% कुछ ज़्यादा बोलते हैं, तकरीबन 40% या 50% के गुड एलॉय इंस्टॉल इस गाड़ी के अंदर। बाकी लाइट्स की तरफ बढ़े थे, लाइट्स इस गाड़ी की हमें अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रही है। ग्रिल भी इस गाड़ी की अच्छी है और ये लाइट्स भी इस गाड़ी की अच्छी है। बाकी बढ़ते हैं विंड स्क्रीन की तरफ। विंड स्क्रीन इस गाड़ी की साफ है, कोई टूटी हुई क्रेक वगैरह नहीं है। बोनट से भी आप भाई इस गाड़ी को चेक कर सकते हैं। बाकी पूरी गाड़ी जो है, ये गाड़ी की जो है साइड वाला एरिया है बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन, कोई बॉडी वाइज हमें काम नज़र नहीं आ रहा है इस गाड़ी में। लाइट्स हैं आप भाई चेक कर सकते हैं, साफ हैं, कोई टूटी हुई क्रेक नहीं है। बस यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ देखिए, जैसे जैसे मुझे नज़र आता है मैं आप भाई उनका ज़रूर शेयर करता हूँ। बाकी यहाँ से थोड़ा जर्द जो है रस जंग नज़र आ रहा है। बाकी बैक जो स्क्रीन है वो साफ है, इतना कोई ज़्यादा नहीं। यहाँ से कलम कर भराई करवा के कलम करवा सकते हो इस गाड़ी को। तो बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से, तो थोड़ा सा डिग्गी का एरिया जो है अगर खुल जाती है डिग्गी तो मैं आप भाई उनसे शेयर कर देता हूँ। तो डिग्गी बंद है नहीं तो मैं खोल के आपको ये भी चेक कराया था। तो काफ़ी भाई ये बोल रहे थे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करें और जल्दी जल्दी हमें गाड़ियाँ दिखाएं, एक गाड़ी पे इतना ज़्यादा टाइम ना लगाएं। तो कोशिश करता हूं भाई, बाकी पूरी गाड़ी कवर करके भी तो दिखानी है, मुझे भी तो देखना है इस गाड़ी की कंडीशन क्या है। अगर आप भाई की गाड़ी ख़रीदते हैं डायरेक्ट स्क्रीन शॉट मुझे भेजते हैं तो मुझे पता तो होना चाहिए इस गाड़ी के बारे में कि गाड़ी किस कंडीशन में थी जिसका मैंने रिव्यू किया है। तो बैक टायर जो इस गाड़ी का हमें अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो इसके फ्रंट वाले टायर हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में है। तो ये है इंटीरियर वाला एरिया, इंटीरियर से हमें अंदर की गाड़ी की जो सीले हैं दरवाज़ों की वो हमें साफ मिल रही हैं, अंदर से बिल्कुल साफ़ है, पूरी जेन्युइन है, लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है इस गाड़ी की अंदर। तो इंटीरियर इस गाड़ी का साफ है। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंजन रूम की तरफ, और इंजन रूम भी आप भाई उसका विज़िट कराया जाता हूँ मैं इस गाड़ी का। तो ये है इसका रूम, और रूम में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। तो रूम की जो मुक्कियाँ हैं आप लोग चेक कर सकते हैं, जंप साइड वाली मुक्कियाँ ये सबसे पहले चेक की जाती हैं गाड़ियों में। देखो ये चीज़ें जो होती हैं मैं आप भाई को जो बताता हूँ ये चीज़ें चेक करने वाली चीज़ें होती हैं। टिकली चेक की जाती है, जंप साइड की मुक्कियाँ चेक की जाती हैं, एक्सीडेंटल ना हो तो ये गाड़ी भी चेक की जाती है। बाकी ये देख सकते हैं दोनों मुक्कियाँ बिल्कुल साफ़ हैं, ये वाला एरिया चेक किया जाता है, दोबारा रंग रस्ट वगैरह तो नहीं है, दोबारा बना हुआ तो नहीं है। बाकी यहाँ जो है अक्सर आप भाइयों को जो है ना जंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का पानी गिरता रहता है, तो ये चीज़ जो है ये वाली साइड जंग होती है, ये वाली साइड जो है बिल्कुल साफ है। और ये चीज़ें देखी जाती हैं, फ्रंट वाली जो दो जो है चेचिस का हिस्सा है ये चेक किया जाता है। और इंजन इस गाड़ी के अंदर इतना है 1000 cc है, मतलब कि तकरीबन 970 cc में काउंट होता है। और ये देख सकते हैं आप भाई बोनट की सील्स भी साफ़ हैं, बोनट भी साफ़ है ऊपर से। बाकी बढ़ते हैं उन्होंने की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या, कितने में गाड़ी पहन छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कौन सा 2009 का ये मॉडल है? बार ठीक है 2009 नवंबर का ही होगा भाई, ठीक है। इस गाड़ी की डिमांड क्या कर रहे हैं आप? 780 मांग रहा हूँ। 780 आपने इस गाड़ी की डिमांड की हुई। अच्छा गाड़ी कितना टचअप है बाहर से, कितना जीन है? अच्छा मतलब मेजर कोई एक्सीडेंटल वगैरह नहीं है, बस सिर्फ एक दो पीस इस गाड़ी के टचअप है, ठीक है। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है सारे कम्प्लीट है सर, और CPLC क्लियर है सर, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है, AC सस्पेंशन में कोई सब ओके, AC वगैरह वर्किंग है इस गाड़ी का, इंजन वगैरह सील्ड है या खुला हुआ इंजन रिपेयर वगैरह है? एक दफ़ा बना था लेकिन मेजर नहीं बना। अच्छा अच्छा जी, चलें जी। इंजन भी इस गाड़ी का सील्ड है, AC वगैरह वर्किंग में, सस्पेंशन वगैरह ओके इस गाड़ी का, 2009 का मॉडल है। और डिमांड क्या करते सॉरी आप? 780। इसमें ऑफर चल सकती है सर? ऑफर चलेगी लेकिन मैक्सिमम ऑफर 7.5 तक की चलेगी, इससे ऊपर पर के लोग मतलब 30,000 रुपये की गुंजाइश है इस गाड़ी में, ठीक है सर। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, 0331-1144773। दोबारा शेयर कर दिए, 0331-1144773। क्या नाम है आपका सर? अरसलान। अरसलान भाई ये कितना गाड़ी चली हुई है टोटली?
67,000 किलोमीटर ये टोटल गाड़ी चली हुई है। अच्छा ये मुझे बता दें, अगर गाड़ी परचेज करने करें अपने घर के लिए तो इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है अगर आप यूज़ कर रहे हैं गाड़ी? मैं चलाता हूँ 11-12 रहती है, इसमें फुटवार वाला इंजन 9,000 से। अच्छा तो गाड़ी का इंजन तो अपना ही होता है ना इसका? अच्छा इस गाड़ी के अंदर जीप का इंजन होता है, ये मैं आपको बता दूँ कि जो एल्टो का इंजन है ये पोटवार जीप में भी सेम ऐसे इंजन आता था, तो अभी इस गाड़ी में एल्टो में भी ऐसा ही आ रहा था। अभी तो फिलहाल बंद होगी, नई वाली गाड़ी जो आ रही है वो 660 cc में आ रही है, बाकी इसके इंजन अंदर जो इंजन है वो 970 cc में काउंट होता है, लेकिन होता 1000 cc इंजन होता है। शुक्रिया। लोकेशन कहाँ की बताई सर आपने? 11 की लोकेशन है, ठीक है सर जी। बाकी नंबर जो असलम भाई का मैंने ऐड कर दिया है और बाकी पूरी डिटेल आप भाई जो असलम भाई से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। शुक्रिया जी। 2017 और 2021 के रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में डायट्स मीरा, तो पढ़ते हैं अभी रिव्यू की तरफ और देखते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन है। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। तो इस गाड़ी का सिर्फ एक पीस ये टचअप है, इसके अलावा पूरी गाड़ी जेन्युइन मिलेगी, अच्छी कंडीशन में गाड़ी माशाल्लाह से। टायर्स देख सकते हैं आप लोग, डायट्सू के अलार्म लगे हुए हैं, तकरीबन कह सकते हैं 50% के आसपास या 60% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के गुड कंडीशन में मौजूद हैं। बाकी लाइट्स वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी की, बिल्कुल साफ हालत में मौजूद हैं। ये सामने से जो ग्रिल साइड वाला एरिया है ये बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। लाइट्स दोनों में बिल्कुल इस गाड़ी की साफ मिलेंगी, जैपनीज़ वेरियंट जैसे कि आप लोग पता है डायट्सू मीरा। और 2017-2021 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में सिर्फ एक पीस इस गाड़ी का टचअप है, इसके अलावा पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है। तो चारों टायर आप लोगों को सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। मीरा की रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग, भाई मीरा हम लोग एड कर रहे हैं, अगर आप लोग गाड़ी समझ में आ रही तो आप लोग गाड़ी परचेस कर सकते हैं, ओनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आप भाइयों को मिल जाएगा। तो नो डाउट माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे जो ये वाली लाइट है हमें ये टूटी हुई मिल रही है, इसका जो है लाइट केस है वो टूटा हुआ है, लेकिन अंदर से बल्ब वगैरह भी एक दो निकला हुआ है, लाइट ऑन है लेकिन इसकी जो है केस टूटा हुआ है। तो ये बैक साइड है, जो स्क्रीन है वो बिल्कुल साफ कंडीशन में मौजूद है डायट्सू मीरा। और सिर्फ एक लाइट इसकी ब्रेक है, दूसरी लाइट इस गाड़ी की साफ़ है। और कैमरा वगैरह का ऑप्शन भी है इस गाड़ी में, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा डाउन है, इस वजह से मैं देख नहीं पा रहा था। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं थोड़ा इंटीरियर की तरफ। चाहिए ये इस गाड़ी की जो है दरवाजे और इसकी जो सील्स हैं ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। पावर विंडो में, पावर स्टीयरिंग में ये गाड़ी होती है। ओरिजिनल हालत में सीट्स वगैरह जो हैं अभी मौजूद हैं, कोई कवर वगैरह इंस्टॉल नहीं है। बाकी दरवाज़ों की सील्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में मौजूद हैं। ये इस गाड़ी का जो है इंटीरियर, डैशबोर्ड और LCD पैनल वगैरह इंस्टॉल है। तो सीट्स पे फ्रंट वाली सीट्स भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। चेक साइड से भी गाड़ी विज़िट कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ड्राइवर साइड वाला एरिया वो भी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर जो है इंजन रूम भी शेयर करा देता हूँ आप भाई के साथ। तो ये गाड़ी के दरवाजे हैं, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, सील्स वगैरह बिल्कुल बेहतरीन हालत में मौजूद हैं, कुछ जेन्युइन। पावर विंडो है, ये पावर स्टेयरिंग है भी, और इसमें एयरबैग सिस्टम वगैरह सब मौजूद है। और ये 660 cc गाड़ियाँ होती हैं, सिर्फ पेट्रोल इसकी पेट्रोल इंजन होती हैं, तो इसमें CNG वगैरह इंस्टॉल नहीं होता। कोई CNG इंस्टॉल नहीं होता, सिर्फ थ्रू और पेट्रोल पे ये गाड़ियाँ होती हैं। तो इंजन इसका ऐसा है कि आपको ये माइलेज तकरीबन 17 से 18 के हिसाब से पर लीटर के दे देगा ये। तो डिस्पोजेबल इंजन इसका अपना जो होता है 660 cc वही इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर। और AC वगैरह परफेक्ट है इस गाड़ी का। जो AC जो अगर आप बात करें बड़ी गाड़ियों की, जैसे सुजुकी की वैगनर होगी, उसके हिसाब से अगर आप लोग इसको कंपेयर करें तो इसका AC जो है उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा मिलेगा भाइयों को। और गाड़ी माशा से अच्छी कंडीशन में, एक पीस इस गाड़ी का टचअप है। बाकी पूछते हैं ओनर से कितने में गाड़ी ये फाइनल दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? 31,50,000 2017-21 के रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में एक पीस इस गाड़ी का टचअप है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए सर, क्लियर है? और इसकी नंबर प्लेट आ चुकी है, CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है, इंजन सस्पेंशन ओके है, इसका काम वगैरह तो नहीं है, AC वगैरह वर्किंग है सर इस गाड़ी में? ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 03122465219। नाम सर आपका? अब्दुल कादिर। कादिर भाई कहाँ की लोकेशन है? गुलशन इकबाल। एक बार रिपीट कर दीजिएगा इसकी डिमांड क्या है? 31,50,000। ठीक है, इसमें कुछ कमी पेशी हो जाए, गुंजाइश हो जाएगी ना? कर लेंगे। अच्छा, कोई पार्टी होगी लेने वाली तो ऑफर अच्छी देगी तो गुंजाइश भी हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी मशीन अच्छी कंडीशन में, सिर्फ इसकी एक पीस टचअप है। और फिर भी अपने हिसाब से जब आप लोग लेने आए तो फिर रब्ता कर लीजिएगा भाई से, मजीद मालूम ले लीजिएगा गाड़ी की। तो सिर्फ इस गाड़ी का ये पीस टचअप है, इसके अलावा पूरी गाड़ी आप भाइयों को जो है जेन्युइन मिलेगी डायट्सू मीरा। शुक्रिया।